दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर के बीजेपी का हल्ला बोल, विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया का फूका पुतला, विरोध प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली बीजेपी का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सड़क से सदन तक बवाल, आबकारी नीति में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। शराब घोटाले पर दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा, सदन में आप विधायकों ने लगाए खोखा खोखा के नारे। दिल्ली विधानसभा में बोले सिसोदिया, मैं किसी जांच से नहीं डरता, अमेरिका में दिल्ली की शिक्षा मॉडल की तारीफ हुई है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा दिया। गुलाम नबी आजाद ने 5 पेज का इस्तीफा भेजा है। इस्तीफे की चिट्ठी में आजाद ने लिखा, भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो। गुलाम नबी आजाद लंबे वक्त से कांग्रेस से नाराज थे, पार्टी की उपेक्षा से गुलाम नबी आजाद नाराज थे। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के नाराज नेताओं के G23 गुट में थे शामिल, G23 गुट कांग्रेस में लगातार कई बदलाव की मांग करता रहा है। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर जाहिर किया गुस्सा, बोले राहुल ने पार्टी में लोकतंत्र को किया खत्म, नया अध्यक्ष भी कठपुतली ही होगा। कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले आखिरी सांस तक राजस्थान से दूर नहीं जाऊंगा। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर कांग्रेस का बयान, इस्तीफे की जानकारी मीडिया से मिली, आजाद हमारे वरिष्ठ नेता, बातचीत से रास्ता निकालें। कांग्रेस ने कहा गुलाम नबी आजाद ने गलत समय पर इस्तीफा दिया, सोनिया राहुल और प्रियंका के देश में नहीं रहने पर इस्तीफा देना दुखद है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच में भेजा रेवड़ी कल्चर का मामला, चीफ जस्टिस ने मामले को बताया जटिल, 2 हफ्ते के बाद होगी सुनवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। नहीं चलेगा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भड़काऊ भाषण का केस, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हरियाणा के हिसार में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार हुआ, सोनाली की बेटी यशोधरा ने दी मुखाग्नि। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने शव को दिया कंधा, माँ का शव देख चीख चीख कर रोई, संभालते दिखे परिवार। सोनाली फोगाट की अंतिम यात्रा में भारी मात्रा में जुटी भीड़, बेटी यशोधरा को देख लोग हुए भावुक। सोनाली फोगाट की अंतिम यात्रा में शामिल हुए बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई, बीजेपी के कई नेता भी अंतिम यात्रा में पहुंचे। सोनाली की मौत से ठीक पहले का सीसीटीवी आया सामने, वीडियो में सोनाली डांस करती आई नजर। हैदराबाद में जुमे की नमाज से पहले चौक चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, मस्जिदों के बाहर भी कड़ा पहरा। हैदराबाद में संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती, 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। हैदराबाद में चार मीनार समेत पूरे शहर में सुरक्षा सख्त, टी राजा की दोबारा गिरफ्तारी के बाद तनाव। यूपी के सहारनपुर में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश नाकाम, पुलिस ने 4 मुस्लिम आरोपियों को गिरफ्तार किया। देवबंद फ्लाईओवर से धार्मिक स्थलों पर फेंक रहे थे अंडे, पुलिस ने 4 आरोपियों को अंडों के साथ रंगे हाथों पकड़ा। आज हो सकता है झारखंड के सीएम की किस्मत का फैसला, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल लगा सकते हैं विधानसभा की सदस्यता रद्द करने पर मुहर। झारखंड में खतरे में सोरेन सरकार, सोरेन की विधानसभा सदस्यता चुनाव आयोग ने रद्द की, सोरेन अपनी पत्नी को बना सकते हैं झारखंड का सीएम। मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए विधायकों की बैठक, किसी की रिपोर्ट को लेकर हुई चर्चा, शाम 7 बजे फिर होगी बैठक। जेएमएम का बड़ा दांव, कहा इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से सरकार को कोई भी खतरा नहीं, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है, बीजेपी विधायक भी कर रहे हैं संपर्क। 6 दिन की ईडी रिमांड पर प्रेम प्रकाश, बुधवार को ईडी छापेमारी में मिले थे अहम दस्तावेज, AK-47 मामले में सार्जेंट मेजर और दोनों जवानों से होगी पूछताछ। जम्मू कश्मीर चोरी में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने मार गिराए 3 पाक आतंकी, घुसपैठ का वीडियो आया सामने। घुसपैठ के दौरान ढेर आतंकवादियों से मिला हथियारों का जखीरा भी, 2 AK-47 और 1 असॉल्ट राइफल भी बरामद, 9 मैगजीन, सैकड़ों कारतूस, बुलेट प्रूफ जैकेट भी मिला। हरियाणा के अंबाला के बलाना गांव में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, पुलिस मामले की जांच शुरू। मृतक के परिजनों का रो रो करके बुरा हाल, पुलिस के मुताबिक ये परिवार रात को खाना खाकर सोए, सुबह उठे ही नहीं, बताया जा रहा है कि आज सबसे छोटी बेटी का जन्मदिन था।
राजू श्रीवास्तव की सेहत सुधार, दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने किडनी और हार्ट की पंपिंग में किया सुधार होने का दावा, अब भी पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं है राजू। राजू श्रीवास्तव की बेटी ने पिता के फैंस के लिए जारी किया संदेश, लिखा दवा और आपकी दुआओं के लिए शुक्रिया। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने मुनव्वर फारूकी के शो का किया विरोध, पुलिस से की रद्द कराने की मांग। सीएम योगी आदित्यनाथ का मेरठ दौरा, डोर टू डोर कूड़ा उठाने की 76 गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी, हापुड़ भी जाने का है कार्यक्रम। यूपी के सीएम योगी के ओएसडी मोतीलाल सिंह की सड़क हादसे में मौत, सीएम योगी ने शोक जताते हुए उनकी आत्मा की शांति की कामना। सीएम योगी ने नोएडा ट्विन टावर ध्वस्तीकरण की तैयारियों की समीक्षा की, कहा कड़ाई से हो सुरक्षा मानकों का पालन। नोएडा के ट्विन टावर को लेकर जोर शोर से तैयारी, रिमोट कंट्रोल सिस्टम के साथ चेन्नई से पहुंचे 4 लोग। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के 3 गुर्गों पर कार्रवाई की तैयारी, पुलिस टीम का हुआ गठन, गिरफ्तारी नहीं होने पर संपत्ति जब्त की कार्रवाई होगी। यूपी के बाराबंकी में 2 ट्रकों की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत, टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में लगी आग, हादसे में 4 लोग घायल। मुरादाबाद में 3 मंजिला स्क्रैप गोदाम में आग का तांडव, 3 बच्चे समेत 5 की मौत, 7 लोग रेस्क्यू, काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के रायबरेली में कांवड़ियों पर हुई फायरिंग, गोली लगने से 1 कांवड़िया घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती, अज्ञात बाइक सवार बदमाशों की तलाश थी। मथुरा स्टेशन से 7 महीने का बच्चा हुआ चोरी, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, रेलवे स्टेशन पर मां के साथ सो रहा था बच्चा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में शातिर बदमाश शाहनवाज पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, 8 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश गिरफ्तार तो दूसरा हुआ फरार। यूपी के सीतापुर में चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, ग्रामीणों ने खंभे से बांधकर जमकर की पिटाई, वीडियो वायरल। यूपी के महाराजगंज में बीते मंगलवार को हुई मां बेटी की हत्या मामले पर पुलिस का खुलासा, मृतका के पिता सहित उसका साथी गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद। यूपी के बिजनौर में वन विभाग ने अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में बनवाए वाटर हॉल, हाथी वाटर हॉल में कर सकते हैं मस्ती। उत्तराखंड के सीएम धामी ने पिथौरागढ़ हेली सेवा का शुभारंभ किया, कहा यह उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राजस्थान के बिसलपुर बांध का जलस्तर बढ़ा, खोले गए बांध के 2 गेट, छोड़ा जाएगा करीब 6,000 क्यूसेक पानी। मध्य प्रदेश में फिर बारिश से मुसीबत बढ़ने के अंदेशा, बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव से अगले 5 दिनों तक बारिश संभव। बेतवा के बाद चंबल नदी के रौद्र रूप में फैलाई दहशत, बाढ़ से घिरे एमपी के मुरैना और भिंड के 61 गांव, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ और सेना की। एमपी के मंदसौर में उफनते नाले में गिरी कार, स्थानीय लोगों की मदद से कार सवारों को निकाला गया बाहर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम के 17 गेट खोले गए, डैम के गेट खोलने से नर्मदा नदी का बड़ा जलस्तर, नर्मदा किनारे बसे कई इलाके में बाढ़ जैसे हालात। मध्य प्रदेश के मंडला में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, मंडला को नागपुर से जोड़ने वाली पुल टूट गई है, प्रशासन ने अब तक नहीं लिया संज्ञान। एमपी के मुरैना में आसमान में बरस रही आफत, घरों में भरा पानी, बच्चों के साथ घरों की छत पर रहने को मजबूर हुए लोग। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश और बाढ़ का कहर है, पानी के तेज बहाव में पति पत्नी लापता, तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा, 3 दर्जन से ज्यादा इलाके हुए प्रभावित। बिहार के भागलपुर में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी, गंगा का पानी सिटी कॉलेज के अंदर पहुंचा, छात्रों को हो रही है खासी परेशानी। गुजरात के अहमदाबाद में लगातार बारिश का असर, भारी बारिश के बाद साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ा। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन, आवाजाही हुई प्रभावित, लोगों को हो रही परेशानी। उमरिया के करैया डैम में बहे पुलिस जवान का 6 दिन बाद शव मिला, नहाते समय तेज बहाव में बह गया था। बिहार के बेगूसराय में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट आई, वारदात में आधा दर्जन लोग हुए गंभीर रूप से घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के दरभंगा में युवक की लाठी डंडों से पिटाई, चोरी के आरोप में हाथ पैर रस्सी से बांध कर पीटा, वायरल हुआ वीडियो। एमपी के सीएम शिवराज का मॉर्निंग एक्शन, सुबह सुबह सिंगरौली जिला प्रशासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करके योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। एमपी मिशन 2023 को लेकर मछुआरों को साधने की कवायद, भोपाल में जल्द होगी राज्य स्तरीय मछुआ पंचायत, बीजेपी सरकार ने की तैयारी। एमपी में 30,000 से ज्यादा नियमित बिजली कर्मचारियों को सौगात, बिजली कंपनी ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया। एमपी के रीवा में लाठी डंडों और बेल्ट से युवक की पिटाई, मार खा रहे युवक ने चाकू से चारों पर किया हमला, मारपीट और चाकूबाजी का वीडियो वायरल। एमपी के बालाघाट से अगवा हुआ 7 साल का बच्चा सकुशल बरामद, बच्चे को
भरवेली गांव में छोड़कर फरार हुए बदमाश आरोपियों की तलाश जारी। कल छत्तीसगढ़ दौरे से पहले सीएम बघेल ने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात, बीजापोला पर घर आने का किया आग्रह। नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा और रणनीति को लेकर यूनिफाइड कमांड की बैठक, रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक। राजस्थान के बीकानेर में छात्र संघ चुनाव के दौरान पुलिस से एनएसयूआई कार्यकर्ता उलझे, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव के दौरान कई जिलों में हंगामा, जयपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर में छात्र नेताओं और पुलिस के बीच में नोकझोंक, जोधपुर और बाड़मेर में पकड़े गए फर्जी मतदाता। बीकानेर में छात्र संघ चुनाव के दौरान डूंगर कॉलेज के बाहर लाठीचार्ज, एनएसयूआई के दो गुट आपस में भिड़े, पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग। पिछला 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI फाइटर जेट्स ने लिया हिस्सा, वायुसेना ने जारी किया एक्सरसाइज का वीडियो। कर्नाटक के कलबुर्गी में बनाया जा रहा है इको फ्रेंडली गणेश, शहर में जल प्रदूषण कम करने की कोशिश। मदर टेरेसा की 112वीं जयंती आज, कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी ने मदर हाउस में मनाई जयंती। यूपी के संभल के सरकारी अस्पताल में घुसी भैंस, दूसरी मंजिल पर पहुंचकर मचाया उत्पात, अस्पताल में मची अफरा तफरी, 3 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। अमेरिकी पुलिस ने भारतीय अमेरिकियों पर हमले के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया, मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी की मौत पर उठने लगे सवाल, तालिबान ने जवाहिरी का शव मिलने से किया इनकार, जवाहिरी की मौत पर अभी भी जांच जारी। स्पीकर नैंसी पेलोसी के बाद अमेरिकी सीनेटर माशा ने भी ताइवान का दौरा किया, बीती रात ताइपे पहुंची थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील, कहा न्यूक्लियर प्लांट से हटाएं रूसी कब्जा, प्लांट पर रूसी कब्जा दुनिया के लिए खतरा। यूक्रेन के चापिन में रूस के हमले से मरने वालों की संख्या बढ़ी है, रेलवे स्टेशन पर हमले के बाद अब तक 25 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। एक साल में 1,37,000 सैनिकों की भर्ती करेगा रूस, पुतिन के आदेश के बाद 2023 तक रूस के पास 2,00,000 से ज्यादा सैनिक होंगे। अमेरिका के मिसिसिपी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, इलाके में 30 सेंटीमीटर तक बारिश होने का अनुमान है, ड्रोन तस्वीरों में दिखी तबाही। पीवी सिंधु ने YS जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की, टोक्यो से वापस भारत लौटने पर की मुलाकात। अलग हुए सारा तेंदुलकर और क्रिकेटर शुभमन गिल, इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को किया अनफॉलो, सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा ये क्या ब्रेकअप है। शेन वॉटसन की बड़ी भविष्यवाणी, 28 अगस्त को खेले जाने वाले भारत पाकिस्तान का मैच, जो भी जीतेगा वो एशिया कप का विनर भी होगा। बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज में लगातार हो रही वृद्धि, जून तिमाही में 14% की बढ़ोतरी हुई है। खाद्य महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, आटे के निर्यात पर लगाया बैन। मार्च 2023 तक 10,000 डाकघर खोलेगी सरकार, 5 किलोमीटर के दायरे में मिलेगी हर सुविधा। अक्षय कुमार ने रकुलप्रीत सिंह के साथ मजेदार वीडियो शेयर किया, वीडियो में रकुल के साथ अक्षय जमकर मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने ग्लैमरस अंदाज में करवाया फोटोशूट, सोनाक्षी सिन्हा ने स्टाइलिश लुक से लोगों को मात दी। दिशा पाटनी ने एक्शन का टशन दिखाते हुए नया वीडियो शेयर किया, फैंस को खूब पसंद आया दिशा का धाकड़ एक्शन।